नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं यहां वियतनाम में। आई एम हियर बिकॉज हम लोग वीवो एक्स 90 जो नए फ़ोन है अभी रिलीज नहीं हुए हैं उनको टॉर्चर टेस्ट कर रहे हैं द मोस्ट एग्जॉटिक लोकेशंस हियर इन वियतनाम। और मैं यहां पे आया हूं टू अ टेंपल पगोडा, ब्यूटिफुल टेंपल। मतलब थोड़ा सा मैं कैमरा टर्न करा के आपको दिखाता हूँ। ऑफकोर्स वी गोइंग टू गो एंड आई शो यू अ लॉट मोर। और बहुत फेमस है ये टेम्पल यहाँ पे, मेनली बिकॉज यहाँ पे वियतनाम के मेटर्निटी गॉड्स रहते हैं। सो अ लॉट ऑफ वुमेन एंड मेन कम आउट हियर बिकॉज दे वॉन्ट के इफ़ दे वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड और अपेरेंटली उनकी विशेज यहाँ पे ग्रांट हो जाती है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल रिलीजन और जो आपका जो ओवरऑल विशेज हैं वो अगर टेक पे ही रह जाती हैं, सो देन आईव गॉट एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट। आपके विशेज सारे के सारे ग्रांट हो गए बिकॉज टूडे वीव गॉट इनक्रेडिबल स्टोरीज फॉर यू। सबसे पहले वील स्टार्ट ऑफ विद गोइंग टू द एप्पल स्टोर बॉम्बे में, डेली में। They've opened their first official stores. वहाँ पे क्या है different? What have they done internationally? Indianize क्या किया है उन्होंने, पहले वो दिखाएंगे। फिर Asus का ROG 7 फ़ोन आ गया है, मे बी द वर्ल्ड्स बेस्ट गेमिंग फ़ोन, अल्टीमेट फ़ोन भी है हमारे पास, विच यू गोइंग टू शो यू वॉट इन अमेजिंग पैकेजिंग एंड एक्स्ट्राज इट कम्स विद। शुरू करेंगे आज शो विद Asus ROG 7। अब बहुत सालों से, इनफैक्ट फर्स्ट फोन जो Asus का आया था ROG सीरीज में, दे सेट द ट्रेंड कि दे कैन हैव अ स्पेशल फोन फॉर गेमिंग ओनली। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ हाई परफॉर्मेंस फोन, कई लोग खरीदते हैं ये फोन नॉट फॉर गेमिंग बट फॉर इट्स परफॉर्मेंस, फॉर इट्स लुक्स। तो नाउ कॉन्स्टेंटली यू नो दे बीन री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स। अब 7 सीरीज आ गया उनका और उन्होंने हमारे को भेजा अल्टीमेट वर्जन। दिस इज रियली द अल्टीमेट। बैक में स्क्रीन है इसके, दर इज अ लॉट ऑफ पावर इन दिस फोन, ब्यूटिफुल लुकिंग फोन, नाइस बिग स्क्रीन। एंड देन द पैकेजिंग, जो पैकेजिंग मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज द पैकेजिंग दैट इज द रिटेल वर्जन, यानी कि हम लोग को उन्होंने स्पेशली भेजा। सो इज दिस नाउ द अल्टीमेट गेमिंग फोन एवर? पता करते हैं विद आवर रिव्यू। Asus ने नए ROG Phone 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में ROG Phone 7 और ROG Phone 7 Ultimate देखने को मिलेंगे। Asus से हर साल उम्मीद होती है कि वो अपने फोन को एक पावर हाउस बनाए और ROG Phone 7 भी एक पावर हाउस ही है। ये फोन कई सारी लाजवाब चीजें करने में सक्षम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी एक गेमिंग फोन की जरूरत है, जब आजकल के फ्लैगशिप फोन्स ही काफी तेज और दमदार हैं। तो ROG Phone 7 में क्या है खास, पता लगाते हैं सेल गुरु के इस रिव्यू में। इसका डिजाइन ROG Phone 6 जैसा ही है। फोन का बैक एक वाइट डुअल टोन फिनिश के साथ आता है। इसका कैमरा मॉड्यूल काफी छोटा है और ये काफी कम जगह लेता है। एक POLED डिस्प्ले भी दिया गया है जो अलग अलग एनिमेशंस को फीचर करता है। ये आपके नोटिफिकेशंस या फोन पर की जा रही एक्टिविटी के अनुसार बदलता रहता है। हमें एक एरो एक्टिव पोर्टल भी मिलता है जिससे आप हैवी गेमिंग के बाद भी फोन के इंटरनल्स को ठंडा रख पाएंगे। फोन में दो USB-C टाइप पोर्ट्स मिलते हैं जिससे आप चार्जिंग और एक्सेसरी अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन के फ्रंट पर आपको थोड़े से बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ये एक गेमिंग फोन में बहुत जरूरी है क्योंकि गेमर्स को फिंगर्स रेस्ट करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। साथ ही इन बेजल्स और चिन में ही स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें एक 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो सैमसंग ने डेवलप किया है। स्क्रीन में आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। फोन में फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं जो डायरेक्ट ने ट्यून किए हैं, लेकिन अगर आपका काम इससे ना चले तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब फोन के साथ जो एक्टिव एरो कूलर 7 अटैचमेंट मिलता है वो एक सब वूफर की तरह भी काम कर सकता है। इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है। अब फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें आपको फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाएगा और ये शानदार है। साथ ही 16 GB की LPDDR5X RAM और 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। ये फोन बेहद तेज है और ये किसी भी तरह के टास्क को हैंडल कर सकता है।
एक्टिव एरो कूलर 7 के लगने के बाद इसका एक्टिव एरो पोर्टल खुल जाता है और ठंडी हवा फोन के इंटरनल्स को ठंडा कर देती है। हमने इसमें COD और एसफेल्ट 9 जैसे हैवी गेम्स खेले और गेम प्ले बहुत स्मूथ रहा। फोन में दिए गए एयर ट्रिगर अल्ट्रासोनिक बटन्स एक कंसोल जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एरो 7 कूलर की। इसमें काफी कुछ पैक्ड है, कुल मिलाकर ये आपके फोन को ठंडा रखता है। ये एक सब वूफर का भी काम करता है और आपको इसकी आवाज जरूर पसंद आएगी। ये एक किक स्टैंड का भी काम करते हैं और आपको इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। साथ ही इसमें एक टाइप सी पोर्ट भी मिलता है जो फैन और मैक्स पावर पर यूज करने की पावर देता है। गेमिंग के लिए इसमें एक्स्ट्रा ट्रिगर्स भी दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं फोन में क्या अच्छा नहीं है। क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो कैमरा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। फोन में टेली लेंस नहीं मिलता है। हालांकि कैमरा अच्छा है, लेकिन और हमें बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। कम रोशनी में कैमरा परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है, हालांकि अच्छी रोशनी में तस्वीरें भी साफ आती हैं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पहले के मुकाबले एक अच्छा अपग्रेड है और इससे ली गई सेल्फीज भी अच्छी आती हैं। फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और ASUS ने फोन की बैटरी की डिजाइन भी अच्छी रखी है। फोन में स्प्लिट सेल डिजाइन वाली 2-3000 mAh के सेल्स दिए गए हैं। ये फास्ट चार्जिंग के साथ साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है। फोन 65 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फोन के साथ सिर्फ 30 वॉट का चार्जर ही मिलता है। ज्यादातर फ्लैगशिप लेवल के फोन से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। एक अलग फीचर पास थ्रू चार्जिंग भी इसमें मिल जाता है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई गेमिंग फोन्स की जरूरत है, खासकर तब जब मार्केट में आ रहे फ्लैगशिप फोन्स के स्पेक्स बेहद शानदार हों। इसका जवाब हमारे हिसाब से हाँ है। ये फोन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। फोन को देखकर यकीन नहीं होता कि ये फोन इतना कुछ कर सकता है, और ये टेक का जादू नहीं तो और क्या है। फोन के अल्टीमेट वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपए है और बेस वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपए है। तो क्या आप इस दमदार फोन को लेना पसंद करेंगे? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज के सेल गुरु शो में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वी विल स्टिल बी हियर इन वियतनाम। आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अब चलते हैं टुवर्ड्स एप्पल। एप्पल ने अपने स्टोर्स खोले हैं इंडिया में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, हैं मैं तो एप्पल के स्टोर कब से देख रहा हूँ इंडिया में। राजीव, तुमको क्या हो गया, बड़ी पुरानी स्टोरी दे रहे हो। वो जो है वो एप्पल सर्टिफाइड रीसेलर स्टोर्स थे। ये एप्पल का अपना स्टोर है, तो क्या फ़र्क है इसमें? व्हाट डिड दे इंडियनाइज इन दीज स्टोर्स? लोग बोलते हैं अच्छा अब इंडिया में आ गया तो बड़े सस्ते फ़ोन मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेंगे उनसे, सब कुछ इंडिया में हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दीज आर जस्ट एप्पल स्टोर्स आउट हियर। मेन रीज़न टू गो आउट देयर इज दीज स्टोर्स आर ब्यूटीफुल, दे आर बिग, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, पूरा पोर्टफोलियो आपको मिलेगा अगर आपने वहाँ पे जाके यू नो यू वांट टू स्पेंड ऑल डे आउट देयर जस्ट चेकिंग आउट देयर प्रोडक्ट्स, पीपल टू हेल्प यू सेट अप योर फोन, हाउ डू यू डू दिस फीचर दैट फीचर, बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट्स मेनली अबाउट द एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं उनके दिल्ली एंड मुंबई स्टोर्स। So here it is, the first ever Apple retail store in India. You can see this is stunning, 22,000 square feet of some incredible stuff. I'm going to take you through all of it, but first let's take a quick glance at everything that this store has to offer. I'll take you through almost everything feature by feature very soon. Pehla Apple store in India for sure, but they've been here for 25 years. Apple's been here. The interesting thing is all the Apple employees at the store, everybody that you're seeing out here right now. The other part that I'm even more impressed by, 50% of all Apple employees here are female.
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है 26 फुट हाइट है 26 फीट आउट हियर एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज दैट ऑल द ग्लास जो बाहर भी लगा हुआ है अदरवाइज इज ऑल वन पीस ऑफ ग्लास 26 फीट हाई। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोना शो यू इज द रूफ। सो 450,000 यानी कि 4.5 लाख इंडिविजुअल पीसेस, जैसे कि वो लेगो या जिग्सॉ पजल होता है ना, उसके ट्रायंगल्स उन्होंने बनाए। ये पूरा का पूरा दिल्ली में बन के आया एंड देन ऑल द पीसेस वर पुट टुगेदर आउट हियर। अब यहाँ पे जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्टोर में एवरीवेयर दैट यू आर सीइंग दिस स्टोन, दिस ऑल्सो ये सोर्स हुआ है जयपुर से एंड इट्स ऑल बीन ब्रॉट इन आउट हियर। अगेन ब्यूटिफुल फिनिश आउट हियर एंड द वे दे हैव डन द स्टोर अप लुक्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। और जैसे कि हर एप्पल स्टोर में होता है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे एप्पल सेशंस होंगे बेसिक प्रो। यू वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट एप्पल, यू वांट टू टेक योर यू नो टेक्निकल प्रोवेस टू द नेक्स्ट लेवल, आप यहाँ पे आइए। देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स, लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स हैपनिंग आउट हियर एंड इट्स ऑल फ्री। और ये जो एप्पल का स्टेयरकेस दैट यू आर सीइंग आउट हियर, सिंगल पीस ऑफ दिस एज इट इज, देयर आर नो ब्रेक्स इन दिस, कंप्लीटली वन पीस का है ये स्ट्रक्चर और एज इट इज ये पूरा का पूरा इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम यूरोप। यू कैन सी दिस इज मैसिव राइट अप टिल द टॉप एंड दिस ऑफ कोर्स ये है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन आउट हियर, यू कैन सी ऑल द एक्सेसरीज आउट हियर, एवरीथिंग दैट यू वांट टू ट्राई आउट, यू वांट टू कम इन हियर एंड ट्राई आउट एनीथिंग दैट यू वांट, स्पेंड टाइम विद अ जीनियस बार, हेल्प दैट यू वांट आउट हियर, ऑल ऑफ दैट हैपन्स हियर ऑन दिस फ्लोर। So eventually, what is my first impression? That impression is that as you come in out here, even though ये बिल्कुल Apple का international store लगता है, everything is just like that. It's the Indianized feel from the music, the fact that you know this is from Delhi, that's from Jaipur, everything else that they've done that perfect mix of Apple international coming to India. कहते हैं हर दिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप गैजेट और टेक लवर हैं तो फिर आप शायद दो सेब खाना चाहेंगे क्योंकि एप्पल आपका फेवरेट है। फाइनली अब हमारे देश भारत में भी एप्पल आ चुका है अपने स्टोर के साथ। मुंबई के बी के सी में हमने एक स्टोर देखा और अब दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में भी ये स्टोर आ चुका है। ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ की जो 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 स्टाफ है, यहाँ की जो टीम है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सर्विसेज कम है या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पर कम है। टेबल्स आप देख रहे हैं ओकवुड से बने हुए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। सो वो जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है जो हमें रीसेलर के थ्रू मिलता था, वो अब एप्पल के अपने स्टोर पर हमें देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शंस हैं, फटाफट आपको रूबरू करा देते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉचेस हैं डिस्प्ले पर, आप देख रहे हैं आईपैड्स हैं, मैकबुक है, वहीं सर्विसेज जो एप्पल की जितनी भी हैं वो भी यहाँ पर, उसके भी सेक्शंस हैं। यहाँ पर 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस स्टोर में होंगे और वो भारत की 18 स्टेट्स से एम्प्लॉय किए गए हैं और वहीं वो 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। वहीं यहाँ पे एक जीनियस भी होगा, जीनियस वो एक्सपर्ट है जो आपकी जितनी भी टेक प्रॉब्लम्स है उसे आकर सॉल्व कर सकता है। तो ये फ़ायदा होता है जब आपके शहर में एक स्टोर आता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आकर यहाँ पिक कर सकते हैं जो भी आपने खरीदा है। तो वो सारे एडवांटेजेस जो हम मिस कर रहे थे या फिर जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे और बाहर की कंट्रीज़ में स्टोर्स देखते थे और मलाल रहता था मन में कि अरे हमारे देश में क्यों नहीं है, वो अब फाइनली खत्म हो चुका है। ये था इस हफ्ते का शो। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स आई एम स्टिल इन वियतनाम, आई एम गोना ब्रिंग यू द वीवो X90। यहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह गए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की हम लोग ने। आई एम गोना शो यू सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दैट अलॉन्ग विद द रिव्यू ऑफ दिस फोन। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते राइट हियर ऑन द सेल गुरु शो।